हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि एवरेज ड्यू डेट का कैलकुलेशन किस प्रकार करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमारे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अशोक ने निम्नांकित तिथियों पर किशोर से माल क्रय किया है। तो देखिए, 15 मार्च को उसने 220 रुपये का माल खरीदा, 21 अप्रैल को 125 रुपये का, 27 अप्रैल को 200 रुपये का और 16 मई को उसने 350 रुपये का माल खरीदा है। और 15 मार्च का जो उसने माल खरीदा उसके लिए उसका वो भुगतान 18 अप्रैल को करेगा और 21 अप्रैल के माल का भुगतान वो 24 मई को करेगा, 27 अप्रैल के माल का भुगतान वो 30 जून को करेगा, जबकि 16 मई के माल का भुगतान जो है वो 18 जुलाई को करेगा। तो ये विभिन्न देय तिथियाँ हैं, यानी कि भुगतान तिथि है ये। अब हमें क्या करना है, औसत भुगतान तिथि निकालना है। हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया कि हमें कौन सी विधि का प्रयोग करना है। आप तीनों में से किसी भी विधि का प्रयोग करिए, आपका आंसर यानी कि आपका जो औसत भुगतान तिथि है वो सेम आएगा। ठीक है, आप चाहे पहली विधि अपनाइए, दूसरी अपनाइए, चाहे तीसरी विधि अपनाइए, तीनों में ही आपका जो एवरेज ड्यू डेट आएगा लास्ट में वो आपका सेम आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को आपको तीनों विधि के आधार पर करके दिखाएंगे कि तीनों विधि से आप इसको कैसे लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि फर्स्ट मेथड जो होता है उसमें हम लोग का जो बेस डेट होता है, ठीक है, बेस डेट यानी कि आधार तिथि होती है वो पहली तिथि होती है। कौन सी होगी, पहली तिथि। तो पहली भुगतान तिथि, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेस ड्यू डेट इज 18 अप्रैल 2010। ठीक है, ये 2010 का ही ईयर चल रहा है, 2010। ठीक है, तो हमारा बेस ड्यू डेट कौन सा है, 18 अप्रैल 2010। अब जैसे इसी के नीचे हम लोग अपना फॉर्मेट बना लेंगे ताकि हम लोग औसत भुगतान तिथि आराम से निकाल सके। तो आइए पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट सबसे पहले हम लोग ऊपर बेस ड्यू डेट डालते हैं कि हमने किस तिथि को आधार माना है। उसके बाद हमारे ये चार कॉलम का एक फॉर्मेट बनेगा जिसमें ड्यू डेट लिखेंगे, यानी कि हमें डे तिथियाँ क्या देंगी। तो सबसे पहले हम लोग देख देंगे 2010। सबसे पहला ड्यू डेट क्या है, 18 अप्रैल है, दूसरा 24 मई है, तीसरा 30 जून है और लास्ट है 18 जुलाई। ये सारे हमारे ड्यू डेट हो गए। अब इन ड्यू डेट पे हमें कितनी राशियाँ भुगतान करनी थी, तो 18 अप्रैल को हमें 220 रुपये का भुगतान करना था, 24 मई को 125 रुपये का, 30 जून को 200 रुपये का और 350 रुपये का भुगतान हमें 18 जुलाई को करना है। अब आप सोचेंगे कि इस डेट का हम क्या करेंगे, तो इसका हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई भी मतलब नहीं, हमें ड्यू डेट को लेकर सिर्फ चलना है। ठीक है, सिर्फ भुगतान तिथि को। तो ये हमारी भुगतान तिथि हो गई और उस तिथि पर जो हमें अमाउंट का भुगतान करना है वो। अब हमें करना क्या है, तो हमें सिंपल से यहाँ पर क्या करना है कि हमारा जो ड्यू डेट है यानी कि 18 अप्रैल, उससे हम लोग को बाकी के जो आगे के ड्यू डेट है उनका कैलकुलेशन करना है कि वो कितने दिन बाद पड़ रहे हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले हमारा ड्यू डेट कौन सा है, 18 अप्रैल, तो 18 अप्रैल से 18 अप्रैल 0 डे हुआ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा 0 लिख देंगे क्योंकि बेस डेट क्या है, 18। अब फिर दूसरा डेट हमारा क्या है, 24 मई है। ठीक, 24 मई, तो हमें कैलकुलेशन करना है कि 18 अप्रैल से 24 मई कितना दिन है। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करिए 18 अप्रैल से 24 मई कितना दिन है। तो अप्रैल में टोटल कितने डेज होते हैं, 30 डेज़। ठीक है, अप्रैल जो होता है वो हमारा 30 डेज़ का होता है। ठीक, अब इसमें सेम यहाँ पे 18 अप्रैल को अगर हम लोग माइनस करते तो 18 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में कितने दिन आएंगे, 12 दिन आते हैं। ठीक है, जब हम लोग 18 अप्रैल से 30 अप्रैल का कैलकुलेट करेंगे तो कितने दिन हमारे बचेंगे अप्रैल में, 12 दिन बचेंगे। अब उसके बाद हमें कहाँ जाना है, मई में, तो अप्रैल के बाद कितना आता है, मई आता है, तो मई का हमें 24 डेज़ लेना, तो 24th of May लेंगे। ठीक है, अब इसे जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो गया, यानी कि 36 डेज़, यानी कि 18 अप्रैल से 24 मई के बीच में कितने दिन का गैप है, 36 डेज़ का गैप है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 36। ठीक है, यहाँ पर हमें डेज का जो भी गैप आएगा वो लिखना है। अब दूसरा क्या है, 30 जून, यानी कि 18 अप्रैल से 30 जून का हमें गैप निकालना है। तो देखिए, 18 अप्रैल को पहले हम लोग अप्रैल का पूरा दिन ले लेंगे, तो कितना दिन बचा है, 12 दिन अप्रैल का। ठीक है, अप्रैल का 12 दिन बचा है। फिर मई का भी हम लोग पूरा लेंगे, मई हमारे कितने महीने का, कितने दिन का होता है, 31 डेज़ का मई होता है। ठीक है, ये हो गया, ये हम लोग डेज ले रहे हैं। ठीक है, या तारीख में समझिएगा। उसके बाद हमें जून में 30 जून तक जाना है, तो अप्रैल मई, मई के बाद क्या है, जून, तो जून का 30 दिन जून का हम लोग ले लें। अब टोटल कितने दिन हुए, तो 73 डेज़, कितने दिन हुए, 73 डेज़ हुए, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 73। ठीक है, अब इसके बाद हमें 18 अप्रैल से 18 जुलाई तक का दिन कैलकुलेट करना है, तो सेम वही प्रोसेस, अप्रैल का 12 दिन हम लोग ले लेंगे। ठीक है, अप्रैल का 12, फिर मई का हम लोग कितना दिन ले लेंगे, 31, और फिर जून का भी हम लोग, जून हमारा टोटल कितने दिन का होता है, 30 डेज़ का होता है, और लास्ट में हमें 18 जुलाई तक जाना है, तो फिर जुलाई का हम लोग 18 दिन ले लेंगे। ठीक, अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो यानी कि 91, यानी कि 91 डेज़ हो जाएंगे टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 91 डेज़ लिख लेते हैं। तो ये हमने सबसे पहले डेज कैलकुलेट कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि देखिए, ये कॉलम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डेज एंड अमाउंट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इनटू करना है डेज एंड अमाउंट का। तो हम अब यहाँ पे डेज और अमाउंट का इनटू करेंगे, जो आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। देखिए, 0 से इनटू करेंगे 220 का, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। फिर 36 से 125 का जब हम इनटू करेंगे तो हमारा आएगा 4500।
उसके बाद जब 73 का हम लोग 200 से इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 14,600, और लास्ट 91 का हम लोग जब 350 से इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 31,850। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये कर लिया। अब क्या करते हैं कि जो अमाउंट है और जो प्रोडक्ट है, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो अमाउंट हमारा टोटल कितना हो रहा है, 895, और जबकि इसका पूरा टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 50,950 रुपये। ठीक, ये हमारा आएगा। तो ये इस तरीके से हमारा ये कॉलम हम लोग बंद कर देंगे, फॉर्मेट जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। अब इसके नीचे जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था, तो बेस ड्यू डेट प्लस या फिर माइनस। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, प्रोडक्ट जो है अपॉन अमाउंट, टोटल अमाउंट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डेज एंड अमाउंट, ये हमारा फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले के आधार पे अगर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो हमारा ड्यू डेट जो आएगा ये है एवरेज ड्यू डेट। ठीक है, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस ड्यू डेट प्लस प्रोडक्ट ऑफ डेज एंड अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट। तो बेस ड्यू डेट हमारा क्या है, 18 अप्रैल 2010। अब इसमें प्लस करेंगे तो देखिए, प्लस हमारा 50,950, प्रोडक्ट ऑफ डेज एंड अमाउंट हो गया, टोटल अमाउंट कितना गया, 895। तो जब अब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 56.9 डेज आएगा। ठीक है, जिसको हम लोग ओवरऑल क्या मान के चलेंगे, 57। तो 18 अप्रैल 2010 में हम लोग प्लस करेंगे 57, क्योंकि 56.9 है तो पॉइंट का तो मतलब हुआ नहीं, तो 57 डेज इसमें और ऐड करेंगे। अब जो डेट हमारा आएगा वो हमारा एवरेज ड्यू डेट होगा। तो देखिए, जो हमारा 18 अप्रैल है, तो 18 अप्रैल में अप्रैल का और कितने दिन बचा है, 12 दिन। ठीक है, 12 दिन अप्रैल का ले लिए, और 31 डेज जो है वो हम लोग मई के ले लिए। ठीक है, अप्रैल और ये मई के हम लोग ले लिए। अभी हमारा टोटल कितना हो गया, तो हमारा हो गया 43 डेज। ठीक है, अभी हमें टोटल कितना चाहिए था, 57। तो 57 में से 43 डेज हम लोग का कंप्लीट हो गया, तो कितना हमारा अभी और बच रहा है, 14 डेज हमें और चाहिए। तो अब अगर हम लोग 14 डेज और जून के ले लेंगे तो हमारा 57 डेज कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जो ड्यू डेट होगा वो क्या होगा, 14th of June। ठीक है, क्या होगा, 14th June 2010, ये हमारा ड्यू डेट है। देखिए, यहाँ पर जो डेज़ का कैलकुलेशन है ये आपका बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। इसमें आपको अच्छे से ये पता होना चाहिए कि कौन से मंथ में कितने डेज़ होते हैं, तभी आप कैलकुलेशन अच्छे से कर पाएंगे। तो जैसे हमारा 18 अप्रैल था, तो हमें चाहिए कि इसमें 57, तो हम जान रहे हैं कि अप्रैल का में तो बस 12 ही दिन बच रहे हैं, मई का 31 दिन लेते हैं तो भी हमारा कितना हो रहा है, बस 43 डेज ही हो रहा है, लेकिन हमें 57 चाहिए। तो 57 से अगर हम लोग 43 माइनस करेंगे तो अब हमें सिर्फ 14 डेज और चाहिए, तो 14 डेज हम लोग जून में से ले लेंगे। तो हमारा जून का डेट 14 ले लेंगे, तो 14th of June हमारा जो हो जाएगा, ये एवरेज ड्यू डेट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो प्लस और माइनस है, तो ये कभी कभी, अभी हमने दूसरी या तीसरी वीडियो जब यूज़ करेंगे तो उसमें कभी कभी हमारा आंसर जो होता है वो माइनस में आता है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस लगाया जाता है कि अगर ये जो आंसर है इसका जब हम लोग डिवाइड करेंगे, तो अगर ये प्लस में होगा तो हम लोग इसमें ऐड करेंगे, अगर ये आंसर हमारा माइनस में आता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारा बेस ड्यू डेट रहेगा उसमें से उतना दिन हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल सी पहली विधि थी जिसके आधार पे हमने क्या किया, अपना एवरेज ड्यू डेट निकाला है, और उम्मीद कर सकते हैं हम कि आपको काफ़ी अच्छे से ये समझ में आएगा। अब चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरी विधि से लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसी तरीके से फॉर्मेट बना लेते हैं, तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया। सेकंड मेथड से भी सेम फॉर्मेट बनेगा। बेस ड्यू डेट यहाँ पे जो है, देखिए हमारे पास ये सारी डेट हैं, तो लास्ट, जैसे हमने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि जो सेकंड मेथड होता है उसमें सबसे लास्ट वाला जो ड्यू डेट होता है उससे बेस हम लोग मानते हैं। तो पहले लास्ट डेट कौन सी, 18 जुलाई, तो यहाँ पर हम लोग 18th July को क्या करेंगे, बेस डेट मानेंगे, तो 18 जुलाई 2010। अब हम लोग सिंपल सा ये सारी डेट और ये सारी जो हमारा अमाउंट है इस डेट पर, ये सबसे पहले यहाँ पर उतार लेते हैं। तो जैसे कि हमने पहले ड्यू डेट और अमाउंट उतार ली, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, अब हम डालेंगे हमारा बेस डेट जो है वो 18 जुलाई। तो अब हमें यहाँ पे भी क्या करना होगा, डेज कैलकुलेट करने के, सबसे पहले 18 जुलाई से लेके स्टार्ट करेंगे, तो 18 जुलाई से 18 जुलाई कितना हो गया, 0 डेज। अब हमें 18 जुलाई से 30 जून पे जाना है। ठीक है, तो अब देखिए 18 जुलाई से 30 जून पे जब हम जाएंगे तो जुलाई का सिर्फ और सिर्फ 18 दिन हमारे पास बच रहा है, और फिर उसके पहले तो 30 जून ही आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 18 जुलाई से 30 जून तक कितना दिन हुआ, 18 दिन हुआ। फिर उसके बाद हमें 18 जुलाई से 24 मई तक जाना है। तो अब देखें, जुलाई का हम लोग पूरा 18 दिन ले लेंगे, अब मई में जाना तो जून का भी हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा 30 दिन जून का ले लेंगे। ठीक, और हमें मई में कहाँ जाना है, 24 मई को, तो मई हमारा जो होता है वो 31 डेज़ का होता है। 31 में से जब हम लोग 24 डेज माइनस कर देंगे तो हमारे मई में अब कितने दिन बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बचे हैं, तो 7 दिन हम लोग मई के कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा टोटल जो आ जाएगा वो हो जाएगा 55 डेज़, यानी कि 18 जुलाई से 24 मई हमारा कितना दिन पीछे हैं, 55 डेज़ पीछे हैं। अब उसके बाद अब हमें 18 अप्रैल पर जाना है, यानी कि 18 जुलाई से 18 अप्रैल, तो फिर से हम लोग जुलाई का पूरा 18 दिन ले लेंगे, फिर जून का पूरा हम लोग 30 दिन ले लेंगे, फिर मई का भी हम लोग पूरा 31 डे मई का ले लेंगे, और अप्रैल में हमें कहाँ जाना, 18 अप्रैल, और अप्रैल कितने डेज़ का होता है, 30 डेज़ का, 30 में से 18 अप्रैल माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा हमारे अप्रैल में, 12 डेज़ और बचे, तो उस 12 को हम लोग यहाँ पे अप्रैल का कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा टोटल जो आएगा वो आएगा 91 डेज़। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 91 डेज़। अब क्योंकि ये सारी डेट जो है वो बैकवर्ड में जा रही है, यानी पीछे की ओर जा रहे हैं, तो इन सब के आगे जो है वो माइनस का साइन लगेगा।
ये क्या थे, आगे की ओर बढ़ रहे थे। तो आगे की ओर बढ़ रहे थे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, उसके लिए लगाने की जरूरत ही नहीं है प्लस का साइन। लेकिन यहाँ पे ये जो डेज है वो पीछे की साइड जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। तो ये हमारे डेज हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का इंटू कर लेंगे। ठीक है, जब हम लोग 91 का 220 से इंटू करेंगे क्योंकि आंसर माइनस में माइनस और प्लस का इंटू होता है, सिंपल क्या होता है माइनस, तो माइनस का साइन लग जाएगा और इन दोनों का इंटू करने पर हमारा आएगा 20,000 रुपये। ठीक है, फिर हम 55 और 125 का इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 6,875 रुपये। सेम जब 18 का हम लोग 200 इंटू करेंगे तो हमारा 3,600 रुपये, और जब हम 0 का इंटू 350 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। सेम ही आएगा तो इस तरीके से हम लोग लगाएंगे। इसमें क्या हुआ कि हमें पीछे जाना पड़ा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंबल किसका लगा था माइनस का और यहाँ पे प्लस का था, तो हम लोगों ने आगे की ओर किया। अब सेम इसी तरीके से फर्स्ट एंड थर्ड मेथड देख लेते हैं कैसे होगा अगर तीसरा मेथड हम लोग यूज़ करेंगे तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं उसका भी। तो देखिए हमने थर्ड मेथड के आधार पर भी सेम फॉर्मेट बनेगा और यहाँ पे जो बेस ड्यू डेट है वो क्या होगा कि थर्ड मेथड में क्या था कि हम बीच में बीच का कोई भी दिन ले सकते हैं। तो देखिए 18 पर पहला दिन हो गया और लास्ट क्या 18 जुलाई। अब इसके बाद जो भी दिन बचा आप उसमें से कोई भी दिन आप बेस मान सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मई 24 है और जून 30 है, हाँ अगर हम मान लीजिए 30 जून को बेस ड्यू डेट मान के चल रहे हैं, ये बीच का हो गया, तो 30 जून। अगर यहाँ पे कोई 5 दिन दिए होते तो जैसे बच्चे जो तीसरे नंबर पे होता है वो एकदम बीच का रहता तो हम लोग उसे लेके चलते, बट यहाँ पे दो दिन हमारे बीच में आ रहे तो हम लोग किसी को भी मान के चल सकते। तो यहाँ पे हम 30 जून 2010 को जो है वो बेस डेट मान के चल रहे हैं और हमने पहले से यहाँ पे ड्यू डेट दिखा दिया और उनका अमाउंट दिखा दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डेज कैलकुलेट करनी है। तो देखिए 30 जून को अगर हम माने तो 30 जून से 30 जून कितना हो गया, 0 हो गया। अब 30 जून से अगर हम लोग 18 जुलाई की ओर आगे बढ़े तो जून का तो 30 दिन हटा दीजिए, बस जुलाई का 18 दिन ही बचेगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 18 दिन, अब क्योंकि आगे बढ़े हैं तो प्लस रहेगा तो पॉजिटिव में 18। अब जून 30 से हमें 24 मई पर जाना है, यानी कि पीछे की ओर जाना है। तो देखिए जून 30 तो जून का पूरा हमारा 30 डेज जून का हो गया। अब मई में हमें जाना है 24 मई में, तो मई जो हमारा होता है 31 डेज का होता है, 31 डेज में से 24 डेज माइनस करेंगे तो हमारे मई में कितना दिन बचा है, 7 डेज मई का बचा है, तो टोटल कितना हो गया हमारा 37। तो ये हम लोग 37 दिन पीछे जाएंगे तो इसलिए माइनस हो गया। सेम यही कंडीशन फिर जब हम लोग 30 जून से अप्रैल 18 पर जाना है तो 30 दिन जून का लेंगे, पूरा 31 दिन मई का ले लेंगे और 18 अप्रैल, क्योंकि अप्रैल हमारा 30 दिन का होता है, 30 में से 18 दिन हटा दें तो हमारे अप्रैल में कितना बचा, 12 दिन, तो 12 दिन हम लोग अप्रैल का ले लेंगे तो हमारा टोटल जो आएगा वो हो जाएगा 73 डेज। ठीक है, तो हमें 73 डेज पीछे जाना होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस करेंगे, अब देखिए 30 जून से जुलाई की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जबकि 30 जून से मई और अप्रैल में हम लोग क्या हो रहे हैं पीछे की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ माइनस लेगा और जबकि यहाँ प्लस लेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि डेज और अमाउंट का इंटू करके यहाँ पर दिखा देंगे। तो जब हम लोग इंटू करेंगे तो हमारे यहाँ पर आएगा माइनस से, क्योंकि इंटू करने तो माइनस 16,060 रुपये, फिर इसका इंटू करेंगे तो हमारे यहाँ पर आएगा 4,625 रुपये। 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही रहेगा और 18 से 350 का इंटू करेंगे क्योंकि प्लस है तो हमारा आएगा 6,300 रुपये। ठीक है, ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। अब इसे हमें क्या करना है, टोटल कर लेंगे, टोटल करेंगे तो इसका फिर 895 ही रहेगा और ये जो हमारा आएगा टोटल वो आएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस रहेगा, पहले इन दोनों को प्लस कर देंगे जो आएगा, लेकिन उसके आगे सिंबल क्या रहेगा, माइनस, तो उसमें से इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। वो आप जब आपको इतना तो बेसिक मैथ पता ही होगा, इसलिए हम उसे यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम टोटल अमाउंट से दिखाएंगे। टोटल अमाउंट आएगा 14,385 रुपये। अब हमारा ये फॉर्मेट क्लोज हो जाएगा। अब हम लोग इस पर जो हमारा मेथड है, फॉर्मूला है, ये इस फॉर्मूले पर रखेंगे। तो बेस डेट हमारा कितना है, 30 जून 2010। ठीक है, अब हमारा प्रोडक्ट माइनस में है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे 14,385/895 यहाँ पे डेज कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 30 जून 2010
में से जब हम लोग इसे कट करेंगे तो हमारे यहाँ पे आ रहा है 34 days, सॉरी यहाँ पे हमारा आ रहा है 16.07 days। तो 16.07 का मतलब क्या हुआ, 16 days, ठीक है। इसमें से हमें 30 जून से 16 दिन पीछे जाना है, तो 30 जून में से जब हम लोग सिंपल से 16 दिन, 30 में से 16 दिन, 16 आप माइनस करिए तो कितना बचा, 14, यानी हमारा आंसर फिर से वही आएगा 14 जून 2010। तो देखा आपने, ये तीनों ही विधि में से हम लोग किसी भी विधि का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो एवरेज ड्यू डेट आता है वो सेम आएगा किसी भी विधि का प्रयोग करने में, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो बेस डेट है वो चेंज होता है, इस वजह से हमारा हल्का सा कैलकुलेशन चेंज होता है, बाकी और कोई भी चीज़ इसमें नहीं होती है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ये तीनों ही विधि जो है वो काफ़ी अच्छे समझ में आई होगी, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। तो अब एक नेक्स्ट वीडियो हम एक एवरेज ड्यू डेट की और बनाएंगे, जिसमें हम आपको बिल से संबंधी जो एवरेज ड्यू डेट होता है वो निकालना समझाएंगे। उसमें भी कोई खास बहुत क्रिटिकल चीज़ नहीं है जो कि आपको ना समझ में आए, लेकिन अगर आप उसको एक बार अच्छे समझ लेंगे तो आपको आगे एग्जाम में आसानी होगी। तो ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।